Hello everybody, welcome to Biophilic Bhavnapuri. So friends, today we will talk about population interaction. लेकिन इस टॉपिक से पहले एक दो चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं और सभी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोड्यूस करने की स्ट्रैटेजी है वो वेरी करती है, यानी कि अलग अलग होती है. अब हम एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे कि बैम्बू ट्री की बात कर लीजिए या फिर पैसिफिक सैल्मन फिश की बात कर लीजिए. ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे एंड देन दे डाई. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में जब अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना की बात की थी तब बैम्बू ट्री के बारे में पढ़ा था. 50 से 100 साल के बीच में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा, एक ही बार फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम एक्चुअली ओनली वंस, जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं. तो एक एग्जाम्पल हो गया बैम्बू एंड द अनदर एग्जाम्पल इज पैसिफिक सैल्मन फिश, पैसिफिक सैल्मन. ठीक है, लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोड्यूस करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दोस दैट रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स, इसमें बर्ड्स आ सकते हैं, मैमल्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे. नो, दे कैन रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स. अब इसी के साथ साथ आप देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे छोटे यानी कि बहुत ही स्मॉलर साइज के एग्स को प्रोड्यूस करेंगे लेकिन लार्ज नंबर में. मतलब है तो छोटे छोटे लेकिन 100, 200, 300, 500 इतने सारे हो सकते हैं, है ना. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि लार्ज साइज के गैमेट्स को या एग को या जायगोट को बनाएंगे और होंगे बहुत ही लिमिटेड नंबर में. तो ये आपको याद रखना है. जैसे कि फिशेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो लार्ज नंबर में गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं और बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं. जायगोट भी बनेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे साइज के होंगे. लेकिन जब हम मैमल्स के बारे में बात करते हैं तो लिमिटेड नंबर में ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो ऑर्गेनिजम्स कंपैरेटिवली बड़े साइज के होते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक एक दो चीजें जो पढ़नी थी वो पढ़ ली है. अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में. इंटरैक्शन का मतलब क्या है? एक दूसरे से आमना सामना करना, ये तो होता है इंटरैक्शन करना. तो ये जो आपका टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, इसमें हम बात किस बारे में कर रहे हैं? जो किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग स्पीशीज रह रही हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगी. या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी भी एक पॉपुलेशन में बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर दोनों बायोटिक ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं. तो दो अलग अलग पॉपुलेशन की मैं यहाँ पर बात करूंगी. पहले मैं एक टेबल बना के आपको दिखा रही हूँ, उसके हिसाब से समझेंगे, फिर इंडिविजुअल टॉपिक लेंगे, है ना. जैसे कि दिस इज स्पीशीज ए, दिस इज स्पीशीज बी. अगर इन दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने पर बेनिफिट होता है, अगर स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों ही स्पीशी को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने पर बेनिफिट होगा, तो इस तरीके का जो इंटरैक्शन होता है वो क्या होगा? वो कहलाता है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का मतलब है बोथ दी स्पीशीज आर बेनिफिटेड. ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से नुकसान है, मतलब एक दूसरे के प्रेजेंस में वो दोनों ही हार्म्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो भी इंटरैक्शन है वो कहलाएगा कॉम्पिटिशन. वो क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिशन. थर्ड केस ये हो सकता है कि एक स्पीशीज को फायदा होगा और दूसरी स्पीशीज को नुकसान. अगर मैं बात कर रही हूँ इंटरैक्शन बिटवीन लायन एंड डियर, तो उसमें क्या होता है? जो लायन है वो डियर को खत्म कर देता है, खा जाता है, तो लायन को बेनिफिट हो गया बट डियर की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी है. तो इसमें एक पॉजिटिव है, एक को बेनिफिट हुआ, एक नेगेटिव है यानी कि उसको नुकसान हुआ. लेकिन नुकसान इस हद तक हुआ कि उस एनिमल की डेथ हो गई है. ठीक है, तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है इसको प्रिडेशन कहा जाता है. इसमें शिकार किया जाता है और जो एक स्पीशीज है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट आप देखोगे अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक स्पीशीज को बेनिफिट है, दूसरी
स्पीशीज को हार्म हो रहा है, लेकिन ये प्रेडेशन नहीं है, ये पैरासिटिज्म है। कौन सा इंटरेक्शन हो गया? पैरासिटिज्म। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीशीज को नुकसान, लेकिन वो दूसरी स्पीशी कंप्लीटली मर नहीं रही है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म है और वो लिविंग है, जबकि प्रेडेशन में वो ऑर्गेनिज्म डेड था। तो ये मेजर डिफरेंस होता है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में, तो ये आपको याद रखना है। जैसे प्रेडेशन में मैंने एग्जांपल आपको दिया था लायन एंड डियर का, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो लाइस यानी कि जू एंड ह्यूमन। तो जो लोगों के बालों में, कुछ लोगों के, मेरे को नहीं पता, तो जो लोगों के बालों में जू होती है लाइस, वो क्या करती है? खून चूसती है, लेकिन वो व्यक्ति मर नहीं रहा है, तो उसका मतलब वो होस्ट है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है क्या कहलाएगा? पैरासिटिस्ट। नेक्स्ट एक और होगा जिसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म, और कमेंसलिज्म में एक स्पीशी को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशी न्यूट्रल होती है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कमेंसलिज्म, तो मैंने बोला कि एक स्पीशी को बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीशी न्यूट्रल है, हमने उसको जीरो से रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, ठीक है? एक लास्ट इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक स्पीशी को हार्म होता है, मतलब उसको नुकसान हो रहा है, और दूसरी स्पीशी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड अमेंसलिज्म। अब ऐसा कहां पर होगा? तो ये जो कमेंसलिज्म है, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कैटल और ईग्रेट। जैसे कैटल, भैंस मान लो, वो चल रही है, वो खा रही है, वो तो वेजिटेरियन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता घास के अंदर से रॉबिन्स यानी कि इंसेक्ट निकल के बाहर आ रहे हैं, उसे खाना ही नहीं है। लेकिन उस बुफेलो के ऊपर, भैंस के ऊपर एक ईग्रेट, एक बर्ड बैठा हुआ है, जैसे ही भैंस चल रही है, एक कोई भी इंसेक्ट बाहर निकल के आया, उसकी तो नजर सीधा इंसेक्ट पे ही है, फटाफट से आता है और इंसेक्ट को खा लेता है। भैंस को क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं, क्योंकि उसको तो भैया खाना ही नहीं था इंसेक्ट, वो वेजिटेरियन होगी, सही है ना? तो उसका मतलब है एक स्पीशी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूसरी स्पीशी जो थी वो ईग्रेट की थी, उसको मजा आ गया क्योंकि उसको इंसेक्ट मिल गए खाने के लिए, ठीक है? अब ये जो अमेंसलिज्म है, इसके दोनों ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, दो ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में तो गिवन भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरेक्शन। तो एक इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखोगे कि जो पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलियम नोटेटम जो है, वो एक ऐसी फंगस है जो अपने लाइफ साइकिल में एक केमिकल को प्रोड्यूस करती है पेनिसिलिन, और वो जो केमिकल होगा वो इस फंगस के सराउंडिंग में किसी बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं होने देगा। अब इसे क्या पता चल रहा है कि जो केमिकल मैंने रिलीज किया है वो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, समझ रहे हो? तो ये तो न्यूट्रल है, पेनिसिलियम नोटेटम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये उसका काम है केमिकल को सिक्रीट करना, ये उसका लाइफ साइकिल, राइट? लेकिन जो सराउंडिंग में बैक्टीरिया थे वो मर रहे, तो उसका मतलब है उनको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो पेनिसिलियम नोटेटम एंड बैक्टीरिया, जो सराउंडिंग में बैक्टीरिया होते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो अमेंसलिज्म होता है। वो कौन सा है? अमेंसलिज्म होता है ना। और एक होता है ब्लैक वॉलनट ट्री, ये भी कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज करता है जो कि सराउंडिंग में किसी भी दूसरे प्लांट और एनिमल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ अमेंसलिज्म। क्लियर हो गई बात? अब मैं डिटेल में आपको म्यूचुअलिज्म समझाऊंगी। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, वो कौन सा होगा? म्यूचुअलिज्म। तो भैया होता क्या है म्यूचुअलिज्म में? दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होगा, ठीक है? तो हमें इसके एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहला एग्जांपल जो कि हम सभी ने पढ़ रखा है, मतलब मैंने तो पढ़ रखा है, तुम्हारा पता नहीं, देखो याद होगा लाइकन। लाइकन क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन है एल्गी और फंगस की। जब भी एल्गी फंगस के साथ सिम्बायोटिकली जुड़ जाती है, एसोसिएट कर जाती है, तो इन दोनों की एसोसिएशन से लाइकन बनता है। यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट है। वो कैसे? जो एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक है, खाने पीने का काम, मतलब बनाने का काम इसका हो गया, और फंगस हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है? फंगस उसको शेल्टर देगा, बदले में एल्गी उसको खाना पीना देगी, फूड वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, तो दोनों को बेनिफिट हो गए एक दूसरे से। क्लियर हो गई बात? इसलिए म्यूचुअलिज्म डाला है। दूसरा एग्जांपल आप लोगे माइकोराइजा का। तो
ये जो माइकोराइजा है ये किस चीज के लिए, ये किस किस की एसोसिएशन है? इसमें ये होगा भाई, इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फंगस होती है वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़ जाती है, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाती है, और दोनों को एक दूसरे से बड़ा फायदा है। जो फंगस है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, प्लांट तक पहुंचा देगी, बदले में जो प्लांट है वो उसको कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी देने वाले सब्सटेंसेस दे देता है, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके की एसोसिएशन न्यूट्रिएंट्स में तो होगी, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया माइक्रोनिजर का। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपने ऑलरेडी 1 or 2 चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा मॉथ एंड यूका प्लांट, मॉथ एंड यूका प्लांट ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड है, बेनिफिशियल है, वो इसलिए क्योंकि जो मॉथ है उसको अंडे देने की जगह मिल जाती है यूका प्लांट के जो ओव्यूल है उसके अंदर, जो खाली कैविटी है लोक्यूल उसके अंदर। और यूका प्लांट को ये फायदा होगा कि जब भी फीमेल मॉथ अंडे देने के लिए वहां पर आएगी, एग पोजीशन करने के लिए या फिर एग ले करने के लिए, तो फिर क्या होगा, पॉलिनेशन मिल जाएगी उसको। दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये भी किसके अंदर आ गया, म्यूचुअलिस्ट के अंदर। सिमिलरली एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है, फिग एंड वास्प। जो फिग का प्लांट है और जो वास्प है, ततैया जो होते हैं, फीमेल वास्प अंडे देने के लिए फिग फ्लावर के जो लोक्यूल्स है ओव्यूल उसमें आएगी। तो ये करती क्या है फीमेल वास्प, ध्यान से सुनना, ये जो फीमेल वास्प है फिग प्लांट के ओव्यूल का यूज करती है अंडे देने के लिए, एग लेइंग करने के लिए, साथ ही साथ ये जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं ना फिग के अंदर, इनका इस्तेमाल किया जाता है लार्वे को नरिशमेंट पहुंचाने के लिए। ये मान लो भैया इसका कोई लोक्यूल था अंडे है, मतलब ये फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, फिग प्लांट की बात कर रही हूँ, तो ये जो वास्प है इसने अपने जो अंडे है वो यहाँ पर दे दिए। अभी जिस समय ये सीड की डेवलपमेंट चलती रहेगी उसी दौरान इसके जो अंडे हैं फीमेल वास्प के वो लार्वे में बदलेंगे, और लार्वे की जब डेवलपमेंट होगी तो उसको नरिशमेंट चाहिए होगा, वो कहाँ से मिलेगा, वो इन डेवलपिंग सीड से मिल जाएगा। तो इस तरीके से वास्प को बड़ा फायदा हुआ, और फिग को क्या फायदा है, उसको ये फायदा है कि उसको पॉलिनेशन मिल जाती है, और जब पॉलिनेशन मिल जाएगी तो फिर क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगी, न्यू फ्लावर्स बनेंगे, सीड्स आएंगे, नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो क्योंकि दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट है, इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ऑर्किड्स का, है ना। हालांकि जो ऑर्किड्स हैं ये जो ऐसे प्लांट है जो कि अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग पॉलिनेटर्स को, जैसे कि बम्बल बीज हो गए, हनी बीज हो गए, तो ये उनको अट्रैक्ट करेंगी ताकि पॉलिनेशन हो सके, है ना। बदले में ये क्या देते हैं उनको, नेक्टर देते हैं। भाई क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा प्लांट्स क्या रिवॉर्ड देते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के बदले में, तो ये उनको नेक्टर देते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स देते हैं, है ना। लेकिन सारी ही स्पीशीज इतनी बढ़िया नहीं होती प्लांट्स की। आपको एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में ऑफायर, जो ऑर्किड्स का ही टाइप है, उसमें ये बोला गया है मेडिटेरियन ऑफायरा मेडिटेरियन, ये बोला गया है कि इस फ्लावर का जो एक पेटल होता है, इस फ्लावर का ऑफायरा मेडिटेरियन जो ऑर्किड का एक टाइप है, इस फ्लावर का जो एक पेटल होगा वो रिजेंबल करता है फीमेल हनीबी के विंग्स की तरह। फिर से सुनिए, मैंने ये बोला कि ये जो प्लांट है जो ऑफायरा मेडिटेरियन जो प्लांट है इसके अंदर क्या होता है, इसके जो पेटल्स है उसमें से एक पेटल, इसमें से एक पेटल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल हनीबी के विंग्स की तरह। ठीक है, तो मेल हनीबी को क्या लगेगा, ये तो फीमेल हनीबी बैठी है, अब वो आएगा उड़ता हुआ फटाफट से, मैं भागता हूँ कहने वाली थी, कोई बात नहीं, उड़ता हुआ आएगा। अब फीमेल हनीबी समझकर मेल हनीबी कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा, लेकिन बेचारे का पोपट है, क्योंकि ये फीमेल हनीबी जैसे दिखने वाले पैटर्न्स है, फीमेल हनीबी तो है नहीं, तो जब वो मेल हनीबी कॉपुलेशन करने के लिए आएगा तो वो एक्चुअल में फीमेल हनीबी के साथ कुछ नहीं कर रहा है, तो ये सूडो कॉपुलेशन होता है, इसको भ्रम है बेचारे का, है ना। तो उस प्रोसेस को कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑफायर्स जो प्लांट्स हैं इन्होंने सेक्सुअली डिसीट कर दिया, धोखा दे दिया किसको, मेल हनीबी को। उसे तो ये लग रहा था कि मैं फीमेल हनीबी के पास जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये तो पेटल है,
ये तो उसकी एक पैटर्न है जो कि फीमेल हनी बी के विंग्स की तरह रिजेंबल करती है, समझ रहे हैं बात। अब वो मेल एक फ्लावर पे आया, पॉलन ग्रेन डस्ट कर दिए होंगे उसने, दूसरे फ्लावर पे गया वहां पर डस्ट कर दिए होंगे, तो इस तरीके से वो पॉलिनेशन कर देते हैं। और इन प्लांट्स के लिए वो एक बहुत ही अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। यही रीजन है जिस तरीके से फीमेल हनी बी का विंग, फीमेल हनी बी का विंग जिस तरीके से इवॉल्व करता रहेगा, साथ ही साथ ओफायरा के जो फ्लावर की पैटर्न्स है वो भी इसी तरीके से इवॉल्व करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल हनी बी जैसा दिखेगा ही नहीं इसका पैटर्न, तो मेल हनी बी नहीं आएंगे, वो पॉपुलेशन एक्ट नहीं परफॉर्म करेंगे और पॉलिनेशन भी नहीं होगी। यही रीजन है कि इनमें को इवोल्यूशन चलता है। को इवोल्यूशन का मतलब ये होता है दोनों ही स्पीशीज का एक साथ इवॉल्व करना। और यहाँ पर जो ओफायरा है इसकी फ्लावर पैटर्न इवॉल्व करती है फीमेल हनी बी के विंग्स की तरह, तो हमेशा यहाँ पर एक तरीके से चीटिंग चल रही है ना भाई, गलती तो हो गई, या फिर सूडो पॉपुलेशन एक गलत ही चीज है, बेचारे मेल हनी बी का तो दिल टूट गया होगा। तो बेसिकली ये कंप्लीट ये जो टॉपिक है म्यूचुअलिस्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और एग्जाम्पल्स के अलावा जो नाम ये जो टर्म ऐसे दे रखी है सूडो पॉपुलेशन, ये भी टर्म आपको याद करनी होगी, या फिर सेक्सुअल डिसीट, एक टर्म आपको सेक्सुअल डिसीट लिखा हुआ होगा तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है कि धोखा है ना। सो दिस इज ऑल, आई होप आपको ये समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।